गया है यार, टेरेस पे कितना कचरा था। तू थक गया? अबे तूने तो कुछ किया भी नहीं, ये दोनों बोरियां मैंने भरी है। अबे टहनिया किसने उठाई? पापा जी ने तो हाथ भी नहीं हिलाया। क्या बकवास कर रहे हैं? अबे छे छे लॉलीपॉप खत्म किए मैंने, उसकी डंडिया के तेरे बाप ने उठाई? मैंने उठाई। ए मोनू मेरा बच्चा थक गया ना, ले ठंडी ठंडी लस्सी पी ले। ओले मेरा बेटा। मम्मी जी मुझे भी प्यास लगी है। तू कुछ खाएगा? देख हलवा बनाया तेरे लिए, पसंद है ना तुझे? खिला दूँ। मेरा फेवरेट है मम्मी जी। ले आकर आकर। मम्मी जी आप मुझे कभी इतने प्यार से हलवा क्यों नहीं खिलाती? बे तू क्या दूध पीता बच्चा है? एक सब इंस्पेक्टर की माँ उसको अपने हाथों से हलवा खिलाएगी? लोग हंसेंगे हम पर। वैसे क्या कम हंसते हैं? क्यों हंसने लगे हम पर? सोनू, मोनू सबसे छोटा है ना, इसलिए कभी कभी प्यार आ जाता है उसपे बेटा। मोनू 32 साल का है मम्मी जी। देख सोनू, दो बच्चों की माँ होने के नाते मैंने ये सीख लिया है कि पहले बच्चों के साथ ना चाहे जितनी गलतियां कर लो, लेकिन दूसरे बच्चे के साथ उन गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है, तभी तो इतना बेटर निकलता है ना दूसरा बच्चा। कितनी बार कहा है तुम्हें ऊंचाई पे बैठ के शराब मत पिया करो, पीने के बाद ना तुम्हें लगता है तुम उड़ सकते हो। अरे डॉली वो कुतुब मीनार का हादसा एक बार हुआ था और ये बियर मैंने नहीं पी है। आई एम द जसबीर वालिया, मैं विलायती पीता हूं, नॉट दिस बियर काइंड ऑफ। हाँ मम्मी जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये बियर पापा जी ने नहीं पी है। तमाम तफ्तीश के बाद ये बात जाहिर है कि ये बोतल 14 साल पुरानी है। ओहा, प्लस टू में याद आया। मम्मी जी ये बियर की बोतलें मेरी हैं। तेरी? हुआ ये कि 14 साल पहले आप जब अमृतसर गए थे ना, तो मैंने कुछ दोस्तों को घर पे बुलाया था। क्या? अभी रिएक्शन मत दो मम्मी, अभी आगे तो सुनो। पढ़ाई करने के लिए? नहीं नहीं, मतलब छोटी सी पार्टी के लिए। हाँ, पार्टी? मम्मी जी अभी रिएक्शन मत दो, आगे तो सुनो। क्या 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 पार्टी में? हमने बिरयानी मंगवाई थी, वो चौको लावा केक मंगवाया था। और ये बियर? अरे ये बोतलें छत पे रह गई होंगी क्योंकि बाकी बोतलें हमने टल्लियों के रोड पर फोड़ डाली। डॉली अब रिएक्शन देना। इस घर में शराब पी? 14 साल पुरानी बात है मम्मी जी। 14 साल? मतलब तू 18 साल का था? 18 साल की उम्र में तू शराब पीता था? सुमित मेरे बेटे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हैंडशेक कर बेटा। और क्या क्या करता था तू? स्मोकिंग? स्मोकिंग करता था? जो भी बताना ना बता दे, इससे ज्यादा मैं गुस्सा नहीं हो सकती। मम्मी जी यार, तूने सिगरेट पी कभी? पी कि नहीं? मतलब एक बार कभी। एक बार कभी? कभी? मम्मी जी आप ना मोनू, अरे मोनू तू मेरी औलाद है, मेरा खून है। मैंने तुझे मना किया था ना शराब पीने से, सिगरेट पीने से और बहुत कुछ करने से मना किया था, फिर भी तूने इतनी गलतियां की और मुझसे मतलब तेरी माँ से झूठ बोल के। सुमित 14 साल पहले क्या कैरेक्टर था तेरा, गले लग जा बेटा। और सर पे चढ़ा के रखो अपने लाडले को। आज से मेरा कोई लाडला सुमित नहीं है, तूने मेरा दिल दुखाया है। सुनने, मैं तुझसे कभी बात नहीं करने वाली। मम्मी जी
आपका कभी आज से शुरू होता है या कल से? मम्मी जी यार। पापा जी, मादा लाडला बिगड़ गया। छी सुमित, फिर से मुंह लगा के पानी पी रहे हो। एक तो मैंने पूरी छुट्टी बर्बाद कर दी टेरेस पे पत्ते साफ करके। मेहनत की है मैंने, बोतल पे मुंह लगाना मेरा इनाम है। ठीक है, वैसे मैं तुम्हें दूसरा इनाम देने वाली थी, लेकिन अगर तुम्हें यही चाहिए तो आओ। अरे डॉली, सही रास्ते पे लेके जा रही है ना, दिखाई नहीं दे रहा। अरे बस आ गया। हाँ यहाँ रख दो, रख दो, रख दो। थोड़ी देर के लिए सूरदास टाइप फीलिंग हो रही थी। मम्मी जी, ये क्या है? तेरे पापा जी ने ना वॉशिंग मशीन में कपड़े पर राजबेरी की लाली गिरा दी थी। देख, सारे कपड़े गुलाबी हो गए और मशीन भी ठप हो गई। तेरे मशीन में धो दे। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, लीजिए थोड़े कपड़े, तू ले ले। हेलो मम्मी जी, वॉशिंग मशीन खराब हो गई। कोई बात नहीं, आप हमारी वॉशिंग मशीन यूज कर लीजिए। डॉली, अब ये रूठना बंद कर। बेचारे ने जवानी में थोड़ी बहुत आवारागर्दी कर ली, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? देखो, मैंने इसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अगर इसने 18 साल की उम्र में शराब पी है, सिगरेट पिए ना, तो इसकी जिम्मेदारी है। हाँ। अच्छा चल, माफ कर दे, अच्छा वाला बच्चा है ये। ये अच्छा वाला बच्चा था, सुना था। था, था, था। मम्मी जी तो पागल हो गई हैं। हो गई हैं? क्या मतलब है? देख, मैंने आज तक तेरे को कहा नहीं है, लेकिन तेरे बारे में आज तक मेरी ये राय थी कि तू एक लल्लू डफर 32 साल का दूध पीता बच्चा है। आपने मुझसे कहा है ये, लेकिन अब तेरे बारे में मेरी राय बदल गई। वो तेरी करतूतों का फ्लैशबैक देखकर मुझे पता चला है कि तू एक आवारा, दंगेबाज और बिगड़ा हुआ कैरेक्टर है। I'm proud of you, my boy. आज तूने साबित कर लिया कि तू मेरी औलाद है, बिगड़े हुए बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। जीता रहे, जीता रहे बेटा, जीता रहे। Miss, please, may I come in? Yes. Come in, Master Sumit. मैंने सुना है कि यहाँ आदर्श पतियों को उनकी मेहनत का इनाम मिलता है। इतने बहादुर पति को तो जरूर इनाम मिलना चाहिए। थैंक यू मिस। वैसे मानना पड़ेगा, आज मैं तुमसे काफी इंप्रेस्ड हूँ। आज? इससे पहले नहीं क्या? इससे पहले मुझे लगता था कि तुम एक स्वीट से, क्यूट से, लल्लू से लड़के हो, लेकिन ये छत पे दंगा करने वाले, शराब पी के तोड़ फोड़ करने वाले, अपने माँ बाप से ना डरने वाले सुमित का रूप मैं पहली बार देख रही हूँ। पता नहीं क्यों तुम ज्यादा हैंडसम लग रहे हो सुमित। यू आर अ बैड बॉय। दैट्स राइट बेबी, आई एम अ बैड बॉय। आवारा, दंगेबाज। तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक बैड बॉय हूँ? अरे, तुम्हारी माँ तुमसे रूठी हुई है और तुम्हें कोई परवाह नहीं है। तुम्हें बैड नहीं तो और क्या कहूँ? Come here, bad boy. मम्मी जी, वाकई में मुझसे कुछ ज्यादा ही रूठी हुई है क्या? लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, राउडी राउडी बॉय? पूरी जिंदगी मम्मी जी ने मुझसे बात नहीं की तो? Oh my God! तुम उनसे रिश्ता तोड़ दोगे?
इतने सेक्सी तुम आज तक कभी नहीं लगे सुमित। सॉरी माया, अगर मेरी मम्मी मुझसे नाराज है तो मैं अपने मेहनत के फल पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता हूँ। मुझे मेरी मम्मी को जाके मनाना चाहिए। आई एम अ गुड बॉय। नो सुमित, यू आर अ बैड बॉय। नहीं 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 माया, ये सब मोह माया है। आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। हाय मम्मी जी। मोनू कुछ खाए? नहीं नहीं मम्मी जी, आप कहने वाले थी मोनू तो कुछ खाएगा। मुझे हलवे की खुशबू आ रही है, ये रहा। तेरे लिए नहीं है ये हलवा। अगर आपके मोनू के लिए नहीं है तो फिर किसके लिए? घर में और कौन है इस हलवे का हकदार? पापा जी वो तो कितना तंग करते हैं आपको, नौकरानी की तरह काम करवाते हैं। वो माया, चखने से पहले वो खाना बनाना तो सीख ले, बासी की रानी याद है? मम्मी जी बोलो ना, ये हलवा है ही मेरे लिए। अरे सोनू, मेरा बेटा आ गया। चल थक गया होगा ना तू। देख तेरे लिए मैंने क्या क्या बनाया है। पहले ना तू ठंडी ठंडी लस्सी पी ले। हाँ ले। ओह थैंक यू मम्मी जी। अरे नहीं मम्मी, मैं खुद पी लूंगा। अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे, तू मेरा लाडला बेटा है ना, मैं खुद अपने हाथों से पिलाऊंगी। बैठ बैठ बैठ, मैंने ना तेरे लिए हलवा बनाया है। पसंद है ना तुझे हलवा? हलवा ये ले हलवा। एक मिनट रुक जा रुक जा, बादाम है, क्या क्या डाला है देख। ये हलवे में किशमिश है। बहुत बढ़िया। और पिस्ते? पिस्ता भी है, क्या बना है। और बादाम? मम्मी देखो ना, मोनू इतने सवाल पूछ रहा कि मुझे हलवा भी एंजॉय नहीं करने दे रहा। तू ना उसकी तरफ ध्यान मत दे, तू हलवा खा। और क्या हुआ काम पे आज सोनू? मुझसे पूछ रहा हूँ। और किससे पूछूंगी मैं? कुछ खास नहीं, कल वो कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करनी है ना, तो बस वही खत्म कर रहा था मम्मी जी। अरे वाह। कितना बहादुर, कितना स्मार्ट है मेरा सोनू, सीधा कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज कर रहा है। एक मिनट, क्या चल रहा है यहाँ? मुझे लग रहा है कि आप ये सब सिर्फ मोनू को जलाने के लिए कर रही हैं। मोनू? कौन मोनू? ठीक है मम्मी जी, फिर आप अपने सोनू के साथ ही खुश रहिए। क्यों, सही कहा था ना मैंने, ये सब आप सिर्फ मोनू को जलाने के लिए कर रही थी। नहीं सोनू, वाकई ना ये सब तेरे लिए है, सच। देखना तुझे लस्सी में काजू पसंद है ना, मैंने काजू डाले थे तेरे लिए। हाँ डाले तो थे। और बता। और क्या बताऊं? तू बस हलवा खा, खा हलवा खा। मम्मी जी पापा जी को भी बुला ले, उन्हें भी तो हलवा बहुत पसंद है। किसका नाम ले लिया तूने, मूड मत खराब कर। मुझे मेरे अच्छे बेटे का चेहरा देखने का मौका मिल रहा है, है ना? तेरे साथ बहुत सारी बातें करनी है। तो तुम मम्मी सोनू
तेरी शादी का इश्तहार दे दे वो शुभ गृहिणी मैगजीन में। मम्मी जी प्लीज यार। सोनू तेरी भी कोई माया होगी, आलिया और अवि जैसे बच्चे होंगे। मम्मी जी आप ना मुझे मोनू बनाने की कोशिश मत करो, और वैसे भी आप क्या उसे जिंदगी भर नाराज रहने वाली हैं? हाँ दिल तोड़ा है उसने मेरा। वैसे मम्मी जी इतना भी बुरा नहीं है वो, ऐसी चीजें हो जाती हम लड़कों से जवानी में। क्या मतलब? मतलब ये कि उस रात 14 साल उस रात के बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना है। मम्मी जी आप किसी बात को बिना सुने इतना भारी भरकम रिएक्शन कैसे दे सकते हो? उस रात मोनू की जगह कोई और भी हो सकता था, और जो उसने किया वो बहुत कॉमन सी बात है, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। तूने नहीं रोका मतलब? तुझे पता था कि वो अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा है? लेकिन उस वक्त मेरी मैथ्स की एक्स्ट्रा ट्यूशन चल रही थी, और मैं पढ़ाई में इतना मगन था कि मोनू क्या कर रहा है उसकी मुझे क्या पड़ी थी। मतलब सोनू मैथ्स के चंद मार्क्स के लिए तूने मेरे मोनू को अपनी जिंदगी खराब करने से रोका नहीं? जिंदगी क्या खराब हुई है उसकी? अच्छी खासी एक बीवी है, दो बच्चे हैं, चल तो रही है जिंदगी। क्या जवाब मत दे मुझे, और माया की तरफदारी तो बिल्कुल मत कर। मम्मी जी शराब मोनू ने पी है, लेकिन आप गुस्सा मुझ पे उतार रहे हो। नहीं नहीं मोनू ऐसा कभी नहीं करता, अगर उसे कोई रोकता तो। कितना गुड बॉय है मेरा मोनू। ये क्या हो गया मुझसे राम? मम्मी माता लाडला रजनीश, सबका दुलारा रजनीश। मोनू मोनू मुझे माफ कर दे। क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने जो गलती की उसका एहसास दिलाना चाहता है ना तू मुझे? मतलब? सोनू ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? यही कि उसे ने तुझे मजबूर किया था बियर पीने के लिए। हाँ मुझे माफ कर दे, मैं तुझे पहचान नहीं सकी। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। पहले हलवा मेरे हवाले करो फिर देखते हैं। ऐसे नहीं, बैठ, मैं तुझे हलवा अपने हाथों से खिलाऊंगी। तू मेरा गुड बॉय है ना? हाँ मैं गुड बॉय हूँ मम्मी जी, मैं आपका गुड बॉय हूँ। आपके हाथों से बहुत स्पेशल लगता है। अबे ये क्या हो रहा है, मोनू फिर से गुड बॉय बन गया? गया मेरा हलवा, सत्यानाश। अरे पापा जी ये तो कुछ नहीं, जवानी में तो मैं गुंडों से हैवी पंगे ले लेता था, बस थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती थी। मोनू वैसे सोनू में है ना बैड बॉय वाली बात तो है। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इतना बड़ा बैड बॉय था कि एक दिन मैंने ना रजनीश का पूरा स्कूटर जला दिया था। अरे इन सब बातों से फाइनल डिसीजन ये निकला कि हम तीनों बैड बॉयज हैं। जसवीर जी कहाँ गायब हो गए? सोमित सोने आ जाओ चलो। आया माया। लकी है तू, तेरे को बुलाने वाला कोई नहीं है। जसवीर जी कहाँ गायब हो गए? आ रहे हो ना? आ रहे हो?
बड़े आए बैड बॉयज टंके पास। Bum 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 b